डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि आपने बताया कि जो ओल्ड एज हैं उनका वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। जो 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 यंग लोग हैं मोर देन 45 या मोर देन 18, उनका भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, स्पीड अप किया जाएगा, या बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं तो इम्यून सिस्टम डेवलप हो चुका है। उसके बाद जब दूसरा लहर डाउन होगा तो जाहिर सी बात है फिर आम जिंदगी शुरू हो जाएगी। उस स्थिति में जब लोग अपने बच्चे को लेकर बाहर निकलते हैं तो जाहिर सी बात है कि कोरोना जो वायरस है वो उसको नई बॉडी मिलेगी और बच्चे इन्फेक्ट इसीलिए ज्यादा होंगे। तो अभी से हमें दूसरे लहर अगर शांत होता भी है तो इन द मीन वाइल अभी से क्या प्रोटेक्शन हमें लेना चाहिए, क्या प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहिए कि बच्चों को तीसरे लहर के चपेट में आने से बचाया जा सके, ये हम जानना चाहते हैं। जी, जैसा मैंने पहले बताया, बच्चों में इम्यूनोजेनिसिटी और इम्यून मॉड्यूलेशन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। इसीलिए देखा होगा कि मैक्सिमम वैक्सीनेशन प्रोग्राम बचपन में लगा दिया जाता है। एक तो इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी उससे एंटीबॉडी बनाता है और दूसरा बचपन से ही बच्चा प्रोटेक्ट हो गया, तो बच्चे में इम्यून मॉड्यूलेशन रहेगा। लेकिन कुछ खास बच्चे जिनमें जेनेटिक डिसऑर्डर हो, मतलब पैदाइशी कोई बीमारी हो, या अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चों में ब्लड कैंसर और इस तरह का कैंसर का इलाज चल रहा हो, इनको हाई रिस्क ग्रुप कहते हैं। लेकिन इनको छोड़ दीजिए, इनमें हाई रिस्क रहेगा तो जिस डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं वो आपको गाइड करेंगे ही। मेरा कंसर्न है सामान्य आम बच्चे जो भारत में हैं। आज भारतीय जीवन शैली में हर घर का हिस्सा हो चुका है फास्ट फूड, जैसे पिज्जा, बर्गर, और इसके कारण चाहे अनचाहे में बच्चों में मोटापा बहुत कॉमन हो गया है। CDC जो अमेरिका की एजेंसी है उसने भी आगाह किया है कि बच्चे में जिसमें मोटापा हो या अनफॉर्चुनेटली जुवेनाइल डायबिटीज, मतलब 12 साल से कम उम्र के बच्चों में डायबिटीज की समस्या है जिनमें है, उनमें ये बीमारी अति गंभीर हो सकती है। तो बच्चों के लाइफस्टाइल में, जीवन शैली में अभी से भारतीय घरों में मेरी दरख्वास्त है, गुजारिश है कि बदलाव चालू करें। उनको शुद्ध भारतीय भोजन की आदत डालें, फास्ट फूड, पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, पिज्जा, बर्गर जैसी चीजों से दूर करें बच्चों को। मोटापा कम होगा, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। जितना हो सके अगर योगासन करा सके, कुछ करा सके, अगर बच्चा मोटा है तो उसका वजन कम कराएं, बेहतर होगा। हरी सब्जियां, ताजे फल का सेवन करें, विटामिन सी किसी भी फॉर्म में, नींबू के फॉर्म में, आंवला के फॉर्म में, संतरा के फॉर्म में, जूस निकाल के किसी फॉर्म में बच्चे को दें जिससे उसकी इम्यूनिटी और फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ती है। इस छोटे छोटे घर के बदलाव से बच्चों में अगर संक्रमण हुआ भी तो बहुत छोटा मोटा कॉमन कोल्ड जैसा होके निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा।